हेलो साथियों, वेलकम बैक टू GK24। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो देखो, आज के इस वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं ऑल वन वन स्कीम की। जितनी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है उनकी जितनी भी स्कीम निकलती है, जैसे कि वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है, इस टाइप की जो स्कीम्स होती है ना, हम उनके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम का पार्ट बनती है और आगे भी बनने वाली है। ठीक है, तो 2023 की जितनी भी इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बढ़ते हैं फिर आगे फर्स्ट वाली स्कीम के साथ। तो देखो, सबसे पहली स्कीम है वन टैप वन ट्री कैंपेन। ये देखो, सबसे पहले आपको ये चीज याद रखनी कि वन टैप वन ट्री कैंपेन जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कि कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया। तो यह है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने इस वाले जो कैंपेन है इसको लॉन्च किया है। क्या नाम है? वन टैप वन ट्री। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो मतलब तरीके से अगर बात करें, मोटो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पे है कि जो स्टेट है वहां पे ग्रीन, जो ग्रीनरी है, ग्रीनरी को बढ़ावा देना और जो क्लीन वाटर टैप है उसको भी रूरल एरियाज तक पहुंचाना। ठीक है, दो ही चीजें क्या है इसका ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे जो नमामि गंगे प्रोग्राम है और जो रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है उनके साथ क्या कला है, कोलैबोरेट किया है। तो बस आपको ये चीजें याद रखनी, किसने लॉन्च किया इसको, यूपी ने, और क्या है इसका नाम, वन टैप वन ट्री। नेक्स्ट देखते हैं वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम। तो ये भी जो है यूपी गवर्नमेंट ने ही इनिशिएटिव लेकर आया है, जहां पे हर एक फैमिली की एक आइडेंटिटी, एक यूनिक आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है, सो दैट उनको वो जो बेनिफिट्स होते हैं जो गवर्नमेंट स्कीम्स में आते हैं वो सभी उनको मिल पाए, उनकी अच्छे से डिलीवरी उनको हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम ऑलरेडी कवर्ड। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड। देखो यहाँ पे केरला गवर्नमेंट है ना, उसने ये वाला मतलब प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है वन पंचायत एंड वन प्लेग्राउंड। इसका एम क्या है? इसका एम है स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करना है स्टेट में। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हाई क्वालिटी वाले प्लेग्राउंड्स को एस्टेब्लिश किया जाएगा हर एक पंचायत में। और टोटल ऐसी कितनी पंचायत है, मतलब 113 पंचायत है जो कि अभी फर्स्ट इनिशियल फेज में पता करी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी कहाँ पे हुई, कलिकड़ में। ठीक है, जो केरला के चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो बिल्ड करेंगे 3 सालों में हर एक प्लेग्राउंड को, और उसकी जो कॉस्ट आएगी वो लगभग लगभग 1 करोड़ आएगी। ठीक है, तो इतनी चीज आपको यहां से याद रखनी है, वन पंचायत वन प्लेग्राउंड इज ऑफ केरला गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। ये देखो एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें कि इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि नेम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो जो हमारे मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल है उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। ठीक है, कहाँ पे ये किया है, नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो वहां पे ये जो है एक तरीके से चलाया गया है। दिस शॉप वॉज ओपन बाय द सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड द पार्ट ऑफ ODOP इनिशिएटिव। अब जो ये ODOP इनिशिएटिव है ये लॉन्च हुआ था 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट जो ऐसे हैं जिनके पास खुद के प्रोडक्ट है उनको शोकेस करने का मौका मिलेगा, एक तरीके से एग्जीबिशन मान सकते हो आप। तो वहां पे उनको क्या मिलेगा, एक तरीके से मौका मिलेगा, सो दैट वो अपने हैंडीक्राफ्ट और अपने आर्टिशंस को जो है कंट्री के अलग अलग पार्ट में प्रमोट कर सके। ठीक है, तो ये किसका है, ये जो है आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसको लॉन्च किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम। अब देखो यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट प्रोग्राम, जिससे कि वो लोकल स्पोर्टिंग जो टैलेंट है, यानी कि जो आप कहते हो ना कि गली वाला नुक्कड़ वाला खेल वो वाला, ठीक है, तो आप लोकल जो स्पोर्टिंग टैलेंट है उसको बढ़ावा दिया जा सके। ये जो प्रोग्राम है इसमें क्या मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक प्लेटफॉर्म बनेगा जिससे कि स्पोर्ट्स पर्सन जो है अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर पाएंगे और नेशनल तक या इंटरनेशनल लेवल तक भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, ये ODOS प्रोग्राम जो है उसमें क्या होगा, हर एक स्पोर्ट को मतलब लिया जाएगा इन द 75 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, मतलब यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट में से हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक स्पोर्ट्स को चुना जाएगा। और इसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि आइडेंटिफाई करना कि डिस्ट्रिक्ट वाइज टैलेंट स्पेसिफिक टू द आइडेंटिकल स्पोर्ट, कि भाई कौन से स्पोर्ट के अंदर बेस्ट कौन है। ठीक है, और फिर उसको आगे उसके क्या करेंगे, स्किल्स को और ज्यादा इंप्रूव करेंगे और उसको आगे भेजेंगे डिस्ट्रिक्ट स्टेट और इंटरनेशनल लेवल तक। ठीक है, तो ये जो है यूपी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, सो दैट स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप किया जा सके अमंग दी टैलेंटेड एथलीट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम। यहाँ पे देखो जो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल कंसल्टेंसी एंड रूरल डेवलपमेंट है उन्होंने लॉन्च किया है ये सेकेंड टेम्पररी स्टॉल ऑफ वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम।
देखो सबसे पहले कहाँ पे लगने वाला है ये, तो ये रांची का जो स्टेशन है झारखंड में वहां पे ही लगने वाला है। तो इसमें क्या होगा कि स्टेशंस पे क्या रखेंगे, जो हाथ से बनाई हुई चीजें हैं यानी कि हैंडीक्राफ्ट हो गए, ठीक है, या फिर बात करें हैंड वूवन आइटम हो गए, या फिर बैम्बू प्रोडक्ट हो गए, या फिर कोई दूसरा ऐसा कारीगरी हो गई जो आपके हाथ से बनी है, तो उस सभी प्रोडक्ट को क्या करना, एक रांची के रेलवे स्टेशन पे शोकेस करना, सो दैट जैसे ही वो स्टेशन पे लोग रुकते हैं आते हैं तो वो प्रोडक्ट को खरीदें, और इससे क्या हो कि एक ट्रेड बने, ठीक है, सो दैट लोकल जो आर्टिसंस हैं उनके प्रोडक्ट का भी क्या हो ट्रेड हो, उनको भी क्या हो आमदनी हो, और उनके भी टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया जा सके। तो वन वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम समझ में आ गया। अभी इसके अंदर 15 स्टेशन को सेलेक्ट किया गया है ऑफ रांची रेलवे डिविजन, ठीक है, जहां पे स्टॉल्स ओपन की जाएंगी जिससे कि लोकल आर्ट और क्राफ्ट्समैन को क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वन नेशन वन रोड टैक्स, देखो वन नेशन वन रोड टैक्स जो है वो प्रपोजल है, ठीक है, फ्रॉम जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल की तरफ से ही वन नेशन वन रोड टैक्स जो है एक तरीके से इनिशिएटिव है, जिससे कि क्या हो कि यूनिफॉर्मिटी लेकर आए जा सके रोड टैक्स में, ठीक है। ऐसा मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे अगर आप कहीं दूसरे मतलब दूसरे जैसे स्टेट में हो तो आपको वहां पे अलग रोड टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप दूसरे स्टेट में आते हो तो आपको वहां पे रोड टैक्स अलग देना पड़ेगा, तो ऐसा ना हो कि एक अगर कंट्री है तो एक ही बार क्या हो कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हम क्या करें टैक्स पे करें। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो लाने की बात की जा रही थी, हालांकि काफी ज्यादा एक तरीके से डिबेटेबल टॉपिक रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि वन नेशन वन रोड टैक्स किसने लेकर आया, तो वो है जीएसटी काउंसिल के द्वारा इसको प्रपोज किया गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। और ये जो मतलब किसको इम्पैक्ट करता है डायरेक्टली, तो प्राइस जो है नए व्हीकल की उसको इम्पैक्ट करता है ये, ठीक है। आगे देखते हैं। वन स्कूल वन आईएएस स्कीम, तो देखो यहाँ पे वैदिक एरुदाइट फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है जिसके अंदर वन स्कूल वन आईएएस स्कीम जो है इनॉग्रेट की गई है केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा। जो आरिफ मोहम्मद खान है केरला के गवर्नर, उन्होंने इस प्रोग्राम को चलाया है जहां से उन्होंने ये देखा है कि हर एक स्कूल से एक आईएएस बच्चा निकलना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए वो क्या करेंगे, जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड बच्चे हैं, जो अनप्रिविलेज्ड बच्चे हैं, उनको क्या किया जाएगा, फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी, एकेडमिक पोटेंशियल जिसमें बच्चे में है फॉर सिविल सर्विसेज उसको आगे बढ़ावा दिया जाएगा, और इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए स्पॉन्सर करने के लिए सबसे पहले एनरोल किया जाएगा 10,000 बच्चे और बच्चियों को फ्रॉम केरला, ठीक है, और उनको फिर क्या दिया जाएगा, एजुकेशन दी जाएगी, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। कहाँ की है ये, केरला की है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। आगे देखते हैं। वन नेशन वन टैक्स स्कीम, तो आपको पता ही है ये तो जीएसटी के बारे में है, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो 1 जुलाई 2017 को क्या होता है इम्प्लीमेंट हो जाता है अक्रॉस द नेशन, ठीक है। वन नेशन वन टैक्स स्कीम जो है उसका क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। द जीएसटी जो है 17 मेजर टैक्सेस और 13 सेस एंड फंक्शंस एज अ यूनिटरी, ठीक है, इनको एब्जॉर्ब कर लिया है, मतलब 17 तो मेजर टैक्सेस और 13 सेस, इन सभी को मतलब क्या करा, कंसोलिडेट करके अभी एक सिंगल टैक्स सिस्टम बन गया है, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है मैन्युफैक्चरर से एंड कंज्यूमर तक जाती थी, तो इसका पूरा का पूरा जो है यहाँ पे आपको पता ही है, ठीक है। दिस टैक्सेशन मॉडल इज प्रीवेलेंट इन डेवलप्ड नेशन, जैसे कि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जीएसटी जो सिस्टम है वैसा ही सिस्टम चलता है, तो ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, सो नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। तो यहाँ पे ये थी हमारी कुछ ऐसी वन वन स्कीम जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनती है। प्लीज डू कंसिडर इट, डू रिमेंबर इट कि ठीक है कौन से स्टेट से कौन से वाली स्कीम है, आपके एग्जाम में आने के काफी काफी चांसेस रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप क्या कर सकते हो, चैनल से जुड़ सकते हो, सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। और वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और यहाँ पे जो GK24 एप्लीकेशन है इसको आप डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे अपलोड करता हूँ करंट अफेयर, ठीक है, स्टडी मटीरियल और बहुत सारी चीजें जो आपको एग्जाम को प्रिपेयर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। सो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ये पूरी तरीके से फ्री है, आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, तो आप इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाओ। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे किसी भी ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपकी प्रिपरेशन को बनाए और ज्यादा स्ट्रांग।